सो हेलो भाई, राम राम सभी को। कैसा आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, ठीक होने भी चाहिए। सो ये व्लॉग करते हैं बाद में स्टार्ट, पहले सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। जो मेरे को बात करनी थी अलवेश यादव के बारे में, जो कि उसको मतलब 14 दिन की कस्टडी में लिया है, जिस जुर्म में कि वो सांपों का जहर मतलब सप्लाई करता था। वो हमें नहीं पता करता था कि नहीं करता था, वो उसको खुद पता होगा या कानून को पता होगा। लेकिन भाई बहुत लोग इंटरनेट पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मतलब हाँ जी करता, एक साइड की बात सुन के मतलब वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। भाई उसके माँ बाप के क्या बेहतरी होगी ये सोचो आप। उनका इंटरव्यू देखा कल, सच में यार इमोशनल हो गया। वो किसी को नहीं पता करता था वो नहीं करता था, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कबूल किया कबूल किया, लेकिन एक साइड की बात सुन के नहीं भाई, दोनों साइड की बात सुनो फिर लाओ। 14 दिन बाद जब वो बाहर आएगा फिर बनाओ वीडियो, व्यूज़ के लिए बनाते हो तो बनाओ भाई, लेकिन ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाओ। उसके माँ बाप को कितना दुख होता है अगर उसकी जगह आप हो तो क्या हो, मतलब आपके माँ बाप को फिर कितना दुख होगा ये सोचो ना आप। तो ये नेगेटिविटी मत फैलाओ भाई, यही बात थी अपनी। ऐसे फेक नेगेटिविटी की उसने किया उसका ये मतलब करता था वो ये नेगेटिविटी मत फैलाओ। बाकी वीडियो बनाओ लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिवली बनाओ, नेगेटिव नहीं। तो इस बात का मेरे को बस बड़ा दुख हुआ यार कि ये नहीं है, मेरे को नहीं पता करता था नहीं करता था, लेकिन बंदा अच्छा मतलब वो तो बाहर आने के बाद चलेगा बता, लेकिन लोग ऐसे कुछ भी जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हैं बके जा रहे हैं। सो ये मत करो, पहले बात को कंफर्म करके तब भी वीडियो बनाया करो और सही तरीके से बनाया करो। सो करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। सुबह के बज रहे हैं अभी 8, आज बड़े दिन बाद मिले, अब 3-4 दिन बाद मिले। वैसे 3-4 दिन से व्लॉग बनाया नहीं मैंने, वो फेयरवेल वाला बनाया था। सो कल फिर थी फेयरवेल दूसरे स्कूल में, उधर गया था मैं, उधर की क्लिप है एक दो उनको दिखाता हूँ आपको, वो देखो उधर की भी डांसिंग वाली क्लिप है। और एक और बड़ी मस्त है यार, लेकिन उसकी वीडियो अच्छी नहीं बन पाई। मैं अपना पूरा सेटअप लेके नहीं गया था, किसी के फ़ोन से शूट किया वैसे, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको यार वो वीडियो, देखो आप मस्त मतलब मज़ा आ जाएगा। पहले मैं फेयरवेल वाली दिखाता हूँ डांसिंग वाली जो दूसरे स्कूल में थी, फिर वो डालता हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर।
नीचे जो भी है, बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ, आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हाँ कबूला है उसने? ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा, हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि ना मरे ना जिए वो। सो ये क्लिप में देखे आपने सारी डाली मैंने, गंड वाली भी थी वो, मतलब अच्छे से बन नहीं पाई थी, मैं सेटअप पूरा लेके नहीं गया था, फ़ोन भी नहीं था मेरा, किसी के फ़ोन से किया शूट, सो वो अच्छी तरह से बन नहीं पाई, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। सो ये एक बात और, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एल्विश यादव ने की कबूल कर लिया कि अपना गुनाह, मतलब उसने कबूल कर लिया। भाई कोई सबूत है कि उसने कबूल किया? मतलब उसके माँ बाप ने खुद भी बताया कि कोई सबूत है, क्लिप है, सच बताया भाई, कोई सबूत है आपके पास कि उसने कबूल किया? ऐसे लोग अनाप शनाप डाले जा रहे हैं यार, माँ बाप पे क्या बीतती होगी ये तो सोचो कम से कम। बाकी डाल लो वीडियो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन नेगेटिवली नहीं ना डालो, दूसरे का दिल भी देखो ना, उस पर क्या मतलब चोट पहुँचती होगी, वो वीडियो देखता हूँ कैसे ऐसी तो उन्हें क्या लगता होगा। तो ये बाकी फुल सपोर्ट है, हम तो जो मतलब सच्चा उसके साथ है, सच्चाई के साथ है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और एक बात, नेगेटिविटी कम फ्लॉप बुरा वक्त सबके साथ आता है भाई, बुरा वक्त है ये कभी भी आ सकता है, बता के नहीं आता कभी भी, तो ऐसे मतलब नेगेटिविटी मत फैलाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।